कोर्ट ने कह दिया कि प्रेस डेट वारंट जारी कर, आज वो आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो एक दिन में सब कुछ बदल गया। निर्भया गैंगरेप केस में करीब 7 साल से निर्भया के माता पिता के साथ पूरे देश को इंतजार है इन चारों की फांसी होने का, लेकिन लगातार ये चारों कानून का फायदा उठाकर अपनी सांसें बढ़ा रहे हैं। लगातार 2 बार फांसी की तारीख टलने के बाद इन चारों को इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब 3 मार्च सुबह 6 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है। 3 मार्च यानी सिर्फ 11 दिन बचे हैं और 12वें दिन इन चारों को इनके किए गुनाह की सजा मिलेगी, वो गुनाह जो इन्होंने 16 दिसंबर 2012 को अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आपको बता दें कि निर्भया के 4 दोषियों पर मौत का खौफ कुछ इस कदर हावी हो गया है कि दोषी विनय शर्मा ने सेल की दीवार पर अपना सिर पटक कर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि वो दोबारा और ऐसा कर पाता तब तक बाहर खड़े सिपाही ने उसे रोक लिया। बताया जा रहा है कि दोषी विनय खुद को फांसी से बचाने के लिए चाल चल रहा है, वो खुद को मेडिकल अनफिट करने की कोशिश में है ताकि उसकी फांसी टल जाए। इस घटना के बाद चारों दोषियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि जेल प्रशासन का इस मामले में कहना है कि विनय शर्मा को मामूली चोट लगी है। आपको बता दें कि जब से 3रा डेथ वारंट जारी हुआ है तब से दोषियों के सेल के सामने ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके लगातार काउंसलिंग की जा रही है। आपको बता दें कि दोषी विनय शर्मा की ओर से उनके वकील एपी सिंह ने याचिका दाखिल की है। इस याचिका में विनय की मानसिक स्थिति को खराब बताते हुए उसका इलाज कराने की मांग की गई है। अपनी अर्जी में कहा गया है कि विनय शर्मा चोट लगने के बाद अपनी मां तक को नहीं पहचान पा रहा है। वकील की तरफ से कहा गया है कि उसे गंभीर मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया हो सकती है, ऐसे में उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाए और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो। फांसी की सजा से बचने के लिए ये चारों साम दाम दंड भेद को अच्छे से अपना रहे हैं। न्याय के मंदिर में देर है पर अंधेर नहीं। तमाम हथकंडों के बाद भी बेटी निर्भया को मौत देने वाले इन दरिंदों को फांसी जरूर होगी।